हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग ब्रेन्स में। और जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी न्यू सीरीज चल रही है कंप्यूटर बेसिक्स की, और उसका आज थर्ड लेक्चर है। कल हमने इनपुट डिवाइस तक कवर कर लिया था, आज के लेक्चर में हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, रैम और रोम। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कंप्यूटर में हमारा आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर होता है, ग्राफिक प्लॉटर होता है और प्रिंटर होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम मॉनिटर्स की बात करेंगे। कॉमनली मॉनिटर्स को क्या कहते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो कहते हैं, ठीक है। मॉनिटर्स हमारे किस काम आते हैं? जो हमारा आउटपुट एज ए हमें पिक्चर फॉर्म में, इमेज फॉर्म में चाहिए होता है, तो उसके लिए हम मॉनिटर का यूज़ करते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो मॉनिटर होते हैं इसमें जो इमेज या पिक्चर ये हमारी बनी होती है वो डॉट्स से बनी होती है। एक्चुअली इन डॉट्स को हम पिक्सल कहते हैं। जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ही इमेज की या फिर हमारी पिक्चर की क्वालिटी हमें अच्छी दिखाई देती है, ठीक है। जो मॉनिटर होते हैं वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब होता है, CRT, और दूसरा होता है हमारा फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो आपके कैथोड रे ट्यूब यानी CRT मॉनिटर के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे आपको सभी को पता है, जैसे हमारे जो हमारे ओल्ड टेलीविज़न होते थे उनमें, जिसे हम कहते थे पिक्चर ट्यूब वाले टेलीविज़न जो होते थे, तो सेम ऐसे ही हमारा ये कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होते हैं, ठीक है। तो इस पे भी हमारा सारा जो होता है वो पिक्सल के अकॉर्डिंग है, हमें इसकी पिक्चर्स का पता, क्वालिटी का पता लगता है। और बेसिकली ये अब तो यूज़ बहुत कम ही होते हैं क्योंकि इनका साइज एक तो बहुत बड़ा होता है और ये बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन करते हैं। दूसरा हमारा जो मॉनिटर का टाइप है वो है फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर होता है। जैसे आपने बेसिकली जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर होते हैं उन्हें हम सिंपली कह सकते हैं जैसे कि LCD होता है, LED होता है, ठीक है। ये हमारा क्या, एक तो कॉम्पैक्ट होते हैं, इनका साइज भी कम होता है, वेट भी कम होता है और पावर तो बहुत ही कम लेते हैं, ठीक है। अब इसमें भी हमारा क्या होता है, इन्हें टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एमिसिव डिस्प्ले और नॉन एमिसिव डिस्प्ले। एमिसिव डिस्प्ले का मतलब है LED, लाइट एमिटिंग डायोड। ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसमें LED में क्या होता हमारा कि इसमें हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी लाइट में कन्वर्ट होती है, और जो LCD होता है, नॉन एमिसिव डिस्प्ले होता है, LCD मीन्स लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस, इसमें क्या होता है हमारा ऑप्टिकल जो इफेक्ट से होता है वो लाइट कन्वर्ट होती है हमारी लाइट में, ठीक है। यानी जो डिस्प्ले हमारा यूज़ करता है वो ऑप्टिकल इफेक्ट हमारा यूज़ करता है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे, ये तो हमारा हो गया हमारा स्क्रीन के बारे में। अब हम देखते हैं प्रिंटर्स के बारे में। अब जैसे हमें आउटपुट प्रिंट फॉर्म में चाहिए होता है तो उसके लिए हमें प्रिंटर्स यूज़ करते हैं। प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। तो बेसिकली इनमें दोनों में एक सिंपल सा डिफरेंस है, जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं उनमें एक रिबन होता है, ठीक है। जैसे आपने पुराने प्रिंटर्स में आपको ध्यान होगा जो रिबन्स लगा होता है तो उस पर हेड बार बार उसे टच होता है और वन बाई वन हमारा करेक्टर प्रिंट होता जाता है। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उसमें रिबन को नहीं होता है, उसमें क्या होता है डायरेक्ट हमारा सिंपली पूरे के पूरा पेज हमारा एक साथ प्रिंट होके आ जाता है। जैसे आज के टाइम में आपने लेजर प्रिंटर देखा होगा, इंकजेट प्रिंटर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करेंगे। ओके, तो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, हमारा जैसे मैंने बताया कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इसमें एक रिबन होता है और उसके बाद उसमें जो जो हेड है वो हेड हमारा बार बार उस पर रिबन पे स्ट्राइक करता रहता है और उससे हमारा क्या होता है पेज पर हमारा प्रिंट होता रहता है, ठीक है।
अब ये प्रिंटर भी हमारे जो आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो करेक्टर प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर होता है। करेक्टर प्रिंटर सिंपली में जो करेक्टर वन बाई करेक्टर वाइज आपको प्रिंट करेगा, और लाइन प्रिंटर होगा ऐसी हमारी कंप्लीट लाइन वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। लेकिन दोनों केस में हमारा वो रिबन यूज टाइप का यूज होगा, ठीक है। अब जैसे इसमें करेक्टर प्रिंटर क्या होता है, करेक्टर प्रिंटर भी इसमें दो टाइप का होता है, एक तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है DMP, और दूसरा हमारा डेजी व्हील होता है। अब हमारे इसमें क्या, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है, जो हमारा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर इज अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसमें क्या होता है, हमारा ईच कैरेक्टर प्रिंटेड इज इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न ऑफ डॉट्स एंड हेड कंसिस्ट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ पिंस। जो इसका हेड होता है उसमें क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ पिंस होते हैं, और इन पिंस का हमारा सर 5x7, 7x9, 9x7, 9x9 इस तरह से होता है, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है डेजी व्हील। इसमें क्या होता है, जो हेड होता है हमारे एक तरह से वो सर्कुलर टाइप में होता है, और उसमें क्या पिंस लगे होते हैं, और एक्चुअली में ये जो कॉरस्पॉन्डिंग टू ए करेक्टर आर लाइक ए पेटल ऑफ डेजी, ठीक है, जो फ्लावर्स की जैसी क्या पत्तियां कहते हैं ना, इस तरह से होता है, विच इज वाई इट इज कॉल्ड ए डेजी व्हील प्रिंटर। नेक्स्ट हमारा लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर ऐसे जैसे मैंने बताया था आपके, ये कंप्लीटली हमारी एक पूरी लाइन को हमारा प्रिंट करता है। इसमें भी दो टाइप होते हैं, ड्रम प्रिंटर होता है, चैन प्रिंटर होता है। अब ड्रम प्रिंटर सिंपली क्या होता है, दिस प्रिंटर इज लाइक ए ड्रम इन शेप, हेंस इट इज कॉल्ड ए ड्रम प्रिंटर। ये ड्रम की साइज में ही हमारा प्रिंटर होता है। द सरफेस ऑफ द ड्रम इज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ ट्रैक्स। एक्चुअली क्या होता है, इसको ड्रम जो होता है वो ट्रैक्स में डिवाइडेड होता है, और जो ट्रैक्स आर इक्वल टू द साइज ऑफ ए पेपर, जो पेपर के साइज के बराबर वो ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें ट्रैक्स हमारा होता है, फॉर ए पेपर विड्थ ऑफ 132 कैरेक्टर ड्रम विल हैव ए 132 कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद में हमारा चेन प्रिंटर होता है। इन दिस प्रिंटर ए चेन ऑफ ए करेक्टर इज सेट एज ए सेट इज यूज्ड, हेंस इट इज कॉल्ड ए चेन प्रिंटर, ठीक है। इसमें जो एक कैरेक्टर्स की हमारी एक चेन की तरह ये यूज करता है उसे, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड हो सकता है 48, 64 और 96 कैरेक्टर। फ्रेंड्स ध्यान रखना, जैसे मैं ये डिफरेंट डिफरेंट आपको प्रिंटर्स बता रहा हूँ ना, तो बस आप उनकी जो एक मेन चीज है ना कोई भी, बस वो ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब जैसे कि अब मैंने इंपैक्ट प्रिंटर देखा, अभी जैसे कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, अब इसमें दोनों इंपैक्ट प्रिंटर का नाम आते हैं, हमें ध्यान आना चाहिए कि ये कम्प्लीटली पूरे के पूरे पेज को हमारे एक साथ प्रिंट कर देगा। इसमें दो टाइप होते हैं, लेजर प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर में क्या होता है, तुम्हारा इसमें लेजर लाइट प्रोड्यूस करती है डॉट्स को, नीड टू बी फॉर्म द करेक्टर ऑफ ए प्रिंटर ऑन ए पेज, ठीक है। इसमें लेजर लाइट का यूज होता है। और जो हमारा इंकजेट प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, एक तरह से वो उसमें जो इंक है ना उसके डॉट्स का स्प्रे होता है, ठीक है। स्प्रे टाइप का हमारा वो पेपर पे होता है, उससे हमारा ये प्रिंट होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा उसके बारे में ध्यान रखना है, और ये इमेज तो है ही, आपको इमेज देख के ही आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद इन प्रिंटर्स के जितने भी एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, आप एक बार स्क्रीन को पॉज करके वन बाय वन उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर इतना डिटेल में इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब आते हैं हम मेमोरी पर, ठीक है। अब आप थोड़ा सा मेमोरी को देख लेते हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखना है, जो कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर क्वेश्चन है, जैसे रैम हुआ, रोम हुआ, इन पर हमारा मैक्सिमम अगर क्वेश्चन आता है ना, तो ये मेमोरी से ही क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। और मेमोरी सिंपली मेमोरी क्या है, जैसे कि हमारी ब्रेन है, हमारे ब्रेन में भी मेमोरी होती है। जैसे हम जो भी कुछ काम करते हैं, या किसी को देखते हैं, या फिर कुछ पढ़ाई करते हैं, जो भी चीज़ हम याद करते हैं वो भी हमारे अंदर दिमाग में मेमोरी जो होती है उसमें वो सेव हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही हमारी कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है, और जो मेमोरी जो होती है कंप्यूटर में, जो इसका एड्रेस होता है ना, ये नहीं है कि पूरी मेमोरी जो हमारी सारी मेमोरी उसका एक ही एड्रेस होता है,
जो मेमोरी होती है वो डिवाइडेड होती है लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, यानी जितने जो मेमोरी हमारी सेल्स में डिवाइडेड होती है और ईच सेल्स का डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 64,000 के वर्ड्स हमारे, तो इसमें 64 × 1024 इक्वल टू 65536 इतनी मेमोरी लोकेशंस होंगी। इट मीन्स 0 to लेके हमारे 65535, ये हमारी इतनी इसकी वेरिएशन हो गया लोकेशन का। ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, मेमोरी का कोई सिंपल एक ही एड्रेस नहीं होता, वो सेल्स में डिवाइडेड होती है कंप्यूटर में, और ईच सेल्स का हमारा एड्रेस उसका डिफरेंट होता है। अब मेमोरी हमारी 3 टाइप की होती है, कैश मेमोरी होती है, और दूसरा हमारी प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी कह लीजिए, या फिर इसे इंटरनल मेमोरी कह लीजिए। ठीक है, ऐसी थर्ड मेमोरी हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह देते हैं। ठीक है, हमारी थर्ड मेमोरी जिस क्रम में है यहाँ पे लिखी हुई है, कैश मेमोरी इसकी सबसे ज़्यादा हाई स्पीड होती है, यानी फास्टेस्ट ये होती है स्पीड इसकी। इसकी प्राइमरी मेमोरी की ये हमारा कैश से कम होती है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा होती है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसकी स्पीड सबसे कम होती है। आज देखिए कैश मेमोरी क्या होती है। देखो कैश मेमोरी क्या होती है, इट इज़ ए वेरी हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द सीपीयू। ठीक है, ये सीपीयू की स्पीड को बढ़ा देती है। देखो कैसे स्पीड को बढ़ा देती है, इसमें एक्चुअली क्या होता है, कैश मेमोरी में जो भी हम कंप्यूटर में काम बार बार करते हैं ना, वो जाके हमारा बफर में, इस बफर में जो कैश का बफर होता है उसमें जाके सेव होती रहती है। ठीक है, तो जो काम हम सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करते रहते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो कैश मेमोरी को फिर मेन मेमोरी के पास आना नहीं पड़ता। जो हमारा सीपीयू है और जैसे हमारा प्रोसेस चल रहा है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसे हमें कोई मेमोरी से कोई भी चीज़ चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसके पास जाएगा मेन मेमोरी के पास। लेकिन अगर वो चीज़ उसे कैश में मिल जाएगी मेमोरी में, तो वो कैश से ही उठा लेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसका टाइम बच जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं जो कैश मेमोरी होती है फास्ट होती है, जो भी करंट में जितना हम काम करते हैं वो हमारा कैश मेमोरी में सेव होता रहता है। ठीक है, आप इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे हमारा हम जब प्रोसेस कर रहे होते हैं, या फिर आप सीपीयू, जो सीपीयू सबसे पहले अगर एक्सेस करेगा ना, वो कैश मेमोरी के पास जाएगा सबसे पहले। उसे कुछ भी चाहिए ना, वो सबसे पहले कैश मेमोरी के पास जाएगा। वो अगर कैश मेमोरी के पास नहीं है, तो फिर वो प्राइमरी मेमोरी या फिर आप कह लीजिए मेन मेमोरी के पास जाता है उस चीज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद में एडवांटेज देख रहे हैं, कैश मेमोरी से फास्टर देन मैन मेमोरी होता है, इट कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम एज कम्पेयर टू मैन मेमोरी। ठीक है, इट स्टोर द प्रोग्राम दैट कैन बी एक्जीक्यूटेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल सी बात है, फास्ट है तो कम टाइम में एक्जीक्यूट करेगी। स्टोर डेटा फॉर टेम्पररी, यानी कि इसमें डेटा टेम्पररी यूज के लिए होता है, कोई परमानेंट के लिए यूज़ नहीं होता। ठीक है, जैसे आज के अब जैसे आज हम कोई चीज़ बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो वो कैश मेमोरी में आ गई, नेक्स्ट 4-5 दिन तक हमने उसे यूज़ नहीं करा, और तो जो उसके बाद 2 या 3 दिन मतलब नेक्स्ट हमने डे जो यूज़ किया उससे अगले दिन यूज़ करा, तो वो चीज़ें कैश मेमोरी में आ जाएंगी। तो वो जैसे उसकी लिमिट से ज़्यादा डेटा आता चला जाएगा, तो पीछे का डेटा हमारा उसमें इरेज होता चला जाएगा। ठीक है, अब कैश मेमोरी का डिसएडवांटेज कह लीजिए, या आप ये जो बहुत एक्सपेंसिव होती है और उसका बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी होती है। उसके बाद आता है हमारा प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, या फिर आप कह लीजिए इंटरनल मेमोरी। ठीक है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो होती है हमारी, इट्स होल्ड द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। ठीक है, जो करंट में जैसे कि हम कंप्यूटर चला रहे हैं, तो मैं जो कंप्यूटर में जो भी उस टाइम पे हम काम कर रहे होते हैं ना, वो जो डेटा और उसका जो इंस्ट्रक्शन होता है वो उस टाइम पे उस पर हम काम कर रहे होते हैं मेन मेमोरी में। इट हैज़ ए लिमिटेड कैपेसिटी एंड डेटा इज लॉस्ट व्हेन ए पावर इज स्विच ऑफ। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसका जो नेचर होता है हमारा वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, वो लाइट चली गई तो तुरंत वो मेन मेमोरी में से जो भी हमारी चीज़ हमने काम किया वो जो डेटा है वो सारा इरेज हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ ए सेमी कंडक्टर डिवाइस। ठीक है, ये सेमी कंडक्टर से बनी होती है। दीज मेमोरी आर नॉट एज ए फास्ट एज रजिस्टर। हाँ, अब जैसे इसमें रजिस्टर वर्ड भी आ जाएगा, ध्यान रखिए रजिस्टर भी एक जो मेमोरी के तरह ही होता है, ये भी एक स्टोरिंग डिवाइस है। ठीक है, स्टोरिंग यूनिट कह लीजिए, इसमें सिर्फ क्या होता है 1-bit storage device वो बोलते हैं, 1-bit storage device कह लीजिए। ठीक है,
the data and the instruction required to be processed reside in the main memory. It is divided into two subcategories. जो हमारी main memory होती है, ये दो part में divide होती है, हमारी RAM और ROM. Random access memory और read only memory. ठीक है. RAM और ROM को मैं बस अभी next slide में हम इसे completely detail में पढ़ेंगे. आप अभी इसकी figure भी देखते रहना. आपको मेन मेमोरी करेक्टरिस्टिक क्या है? ये सेमीकंडक्टर मेमोरी है, आल्सो नोन एज मेन मेमोरी. वोलेटाइल है, डेटा लॉस्ट हो जाता है अगर लाइट चली जाए. इट वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी. ये कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी. अब इस लाइन का मतलब क्या? कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी. देखो होता क्या है, जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वो मेन मेमोरी में अपलोड होती है हमारी विंडो. जैसे ही हमारा बूट होता है वो प्राइमरी मेमोरी में ही वो हमारी विंडो जाती है, सेकेंडरी मेमोरी नहीं. तो इसीलिए कहते हैं ना कि वो वॉलेटाइल नेचर है, अगर हम इनसे लाइट चली जाएगी तो भाई जो भी काम किया हमारा डेटा ऑफ हो जाता है उसमें. तो जो भी कुछ हमारा स्टार्टिंग में अपलोड होता है ना जब विंडो चला रहे, तो विंडो ही हमारी मेन मेमोरी में जाके अपलोड होती है. तब हमें जाके एक प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर पर दिखाई देता है कि जिसमें हम बाकी के काम करने लगते हैं. उसके बाद हमारा सेकेंडरी मेमोरी आता है. देखो सेकेंडरी मेमोरी क्या है, एक तरह से आपको पता है कि हम प्राइमरी मेमोरी में तो कुछ सेव कर नहीं सकते. ठीक है, तो परमानेंटली हमें सेव करने के लिए तो कुछ चाहिए, तो उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं. जैसे कि आप कंप्यूटर में हार्ड डिस्क नहीं लगाते हैं साटा की, कि भाई हमारा 200 GB हार्ड डिस्क हमारे में, 500 GB हार्ड डिस्क हमारा, तो वो क्या करते हैं, हम उसे सेव करने के लिए डेटा को. सिंपल सी बात है, डेटा हम सेव कर रहे हैं तो लाइट जाए या कुछ भी हो हमारा, तो इसका मतलब उसमें सिर्फ डेटा तो उड़ेगा नहीं, वो तो उसी में रहेगा. तो इसीलिए जो सेकेंडरी मेमोरी होती है हमारी वो नॉन वॉलेटाइल नेचर होती है. ठीक है, एक चीज़ और, जो CPU है डायरेक्टली हमारा सेकेंडरी मेमोरी से डेटा नहीं एक्सेस करता है वो, ये इनपुट आउटपुट के थ्रू हमारा, उससे हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी है CPU जो हमारा इनपुट आउटपुट की हेल्प से इसको एक्सेस करता है हमारा, डायरेक्टली इसे एक्सेस नहीं करता है. द कंटेंट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर फर्स्ट ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी एंड देन द CPU कैन एक्सेस. समझे, अगर हमें उसे यूज़ भी करना है तो वो सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी से हमारा डेटा प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, और प्राइमरी मेमोरी में जाके फिर हम उसे, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म पे जो भी हमारी विंडो में या फिर कोई प्रोसेस कर रहे हैं उसमें हम यूज़ करेंगे. ठीक है, तो मेमोरी का आपने क्रम समझा, इसमें कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. और यही क्रम हमारा इसकी स्पीड भी डिफाइन करेगा और इसके एक्सेस को भी बताएगा. ठीक है ना, यानी सबसे ऊपर हमारा CPU हो गया. अगर CPU आप CPU कह लीजिए, क्या वो प्रोसेस कह लीजिए आप, या ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी कह लीजिए. ठीक है, अगर वहाँ पर हमें वो एक्सेस करना है ना कुछ भी डेटा, तो सबसे पहले हम कैश मेमोरी के पास जाएंगे, उसके पास नहीं है तो हम प्राइमरी मेमोरी के पास जाएंगे, उसके बाद फिर सेकेंडरी मेमोरी के पास जाएंगे. इट मीन सेकेंडरी मेमोरी से पहले प्राइमरी में जाएगा, फिर वो कैश में होता वो उसमें डेटा हमारा चला जाएगा. आप सेकेंडरी मेमोरी के जैसे टाइप हो, जैसे कि हमारी पेन ड्राइव हुई, डिस्क हुई, CD-ROM हो गया, DVD हो गया. ठीक है, ये सब हमारा फ्लॉपी डिस्क हो गया हमारा, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है. अब इसी करेक्टरिस्टिक है, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी होती है, बैकअप मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल, परमानेंटली स्टोर होता है डेटा है, और कंप्यूटर में रन विदाउट. अब देखो कंप्यूटर, ये हो ना हो कंप्यूटर हमारा काम करेगा, इससे कोई मतलब नहीं, स्लोवर देन प्राइमरी मेमोरी. आप सेकेंडरी मेमोरी किस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे कि मेमोरी हम अपने जो मोबाइल है उसमें एक चिप लगाते हैं ना, वो चिप से इसी तरह से काम करते हैं. ऐसे कहते हैं कि मेमोरी एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए हम चिप लगा देते हैं, वही हमारी सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं, उसके बाद हम ले लेते हैं. अब थोड़ा सा रैम को ही हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि रैम क्या है. देखो रैम क्या है हमारी, इसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और बाकी चीज़ हमने अभी पढ़ ली है रैम के बारे में. अब हम यहाँ पर सिर्फ इतना देखेंगे कि जो रैम के जो टाइप होते हैं वो दो टाइप होते हैं, एक तो स्टैटिक रैम होता है और एक डायनेमिक रैम होता है. ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, अभी जैसे पहले हमने बताया इसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं,
of the CPU for storing data, program and program result. It is read-write memory. Read समझे ना कि हम इसमें read भी कर सकते हैं और कुछ write भी कर सकते हैं. ध्यान रखना write हम करते हैं पर लेकिन वो इसमें सेव नहीं रहता. जैसे वो हमारा लाइट जाए या कुछ भी अगर लाइट चली गई तो हमारा वो एकदम से वो सब इरेज होता हो जाता है. इट इज़ ए रीड राइट मेमोरी विच स्टोर डेटा अनटिल द मशीन इज वर्किंग. यानी जब तक मशीन वर्किंग का भी है जब तक उसे सेव करेगी. एज सून एज द मशीन इज स्विच्ड ऑफ द डेटा इज इरेज्ड. समझे ना प्राइमरी मेमोरी का काम जो मेनली हमारा रैम का यही काम होगा. आप जैसे कि मोबाइल में नहीं होती हमारी रैम होती है तो रैम का काम क्या होता है. जब भी हम किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले हमारा मोबाइल देखता है कि उसमें उस ऐप को चलाने के लिए उसके रैम रिक्वायर्ड रैम है बची हुई है नहीं बची हुई है. तो जैसे ही हम उसे क्या करते हैं इंस्टॉल करते हैं तो वो अगर रैम उतनी अवेलेबल है तो उसे वो इंस्टॉल कर लेता है मोबाइल में. अगर वो उतनी रैम उसमें अवेलेबल नहीं है बची हुई तो वो बता देता है कि भाई आप इसमें से कोई ऐप हटा दो तब मैं इसे इंस्टॉल करूँगा. और जैसे ही हम किसी ऐप को डबल क्लिक करके चलाते हैं तो सबसे पहले वो मेन मेमोरी में चला जाता है. उसके वहाँ जाके फिर वो एक्सक्यूट होता है उसके बाद ओपन होता है. ठीक है ना. तो रैम की हमारी रीड राइट मेमोरी है. इसी तरह से हम देख लेते हैं दो टाइप की हमारी रैम होती है. स्टैटिक रैम होगी और एक डायनेमिक रैम होगी. ठीक है ना. अब जो स्टैटिक वर्ड है आप थोड़ा सा स्टैटिक का मतलब समझते हैं ना. स्टैटिक का मतलब है कि स्थिर मतलब कि जैसी है वैसी रहने वाली. डायनेमिक का मतलब क्या होता है थोड़ी टाइम के साथ चेंज होती रहे. थोड़ा ये थोड़ा सा मीनिंग समझे बस. अब स्टैटिक इंडिकेट द मेमोरी रिटेन इट्स कंटेंट एज लॉन्ग एज पावर इज बीइंग सप्लाइड. जितनी देर पावर होगी तो उतने देर मतलब कि ये हमारा मेमोरी इसमें रिटेन रहेगी. और पावर ये भी वोलेटाइल नेचर ही होगी सिंपल सी बात है. मेन मेमोरी में तो आती रहेगी. SRAM चिप्स यूज ए मैट्रिक्स ऑफ सिर्फ ट्रांजिस्टर एंड नो कैपेसिटर. इसमें ट्रांजिस्टर होते हैं सिर्फ रैम में कैपेसिटर नहीं होते. तो इसके मतलब लीकेज नहीं होगा. कैपेसिटर की वजह से भी लीकेज होता है जो कुछ होता है. ठीक है. और दूसरा क्योंकि इसमें लीकेज नहीं है तो हमारा रैम नीड नॉट टू बी रिफ्रेश. तो इसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें बार बार. बस सिंपली ट्रांजिस्टर से बना हुआ कैपेसिटर इसमें है नहीं तो इसको ना ट्रांजिस्टर से बना हुआ है तो इसमें लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी. लीकेज प्रॉब्लम नहीं होगी तो हमें इसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें. ठीक है ना. अब उसके बाद हम आते हैं डायनेमिक रैम पे. ठीक है. अब और बाकी तो इसकी करेक्टरिस्टिक देखिए. लॉन्ग लाइफ होती है नो नीड टू बी डिस्प्ले फास्टर यूज कैश मेमोरी लार्ज साइज स्पेंसिंग हाई पावर कंजप्शन. अब देखो यूज ऑफ कैश मेमोरी तो बस ही बात है. ठीक है. और डायनेमिक रैम में क्या होता है इट मस्ट बी कंटिन्यूसली रिफ्रेश क्योंकि दिस इज डन बाय द प्लेसिंग द मेमोरी एज ए रिफ्रेश सर्किट दैट रिवराइट द डेटा सेवरल हंड्रेड टाइम्स एज पर सेकेंड. अच्छा रैम डायनेमिक रैम में एक खास बात है इसमें तुम्हारा इसमें दिस इज डन बाय द प्लेसिंग द मेमोरी ऑन ए रिफ्रेशिंग सर्किट दैट रिवराइट द डेटा सेवरल हंड्रेड टाइम पर सेकेंड. डायनेमिक रैम इज यूज फॉर मोस्ट सिस्टम मेमोरी इट इज ए चीप एंड स्मॉल ऑल डेर आर मेड अप ऑफ ए मेमोरी सेल्स विच आर कंपोज्ड ऑफ वन कैपेसिटर एंड वन रजिस्टर ट्रांजिस्टर. देखो इसमें सिंपल सा डिफरेंस तो बता रहा हूँ. उसमें ट्रांजिस्टर होता है. इसमें ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों से मिलकर बनी होती है इसलिए हमें इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है. ठीक है. और स्टैटिक रैम के मुकाबले ये हमारी क्या होती है चीपर होती है और इसकी लाइफ भी कम होती है. सो डेटा लाइफ टाइम नीड टू बी रिफ्रेश कंटिन्यूअसली स्लोवर होती है स्टैटिक रैम से यूज्ड एज ए रैम स्मॉलर साइज इज लेस एफिशिएंट लेस पावर कंजम्पशन. ठीक है. उसके बाद हमारा रैम हो गया. अब हम रोम देख लेते हैं. रोम हो गया हमारा रीड ओनली मेमोरी. अब देखो जैसे कि हमारा रैम में क्या था रीड एंड राइट था ना उस चीज़ को ध्यान में रखना. अब जैसे रोम जो होता है रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी द मेमोरी फ्रॉम विच कैन ओनली बी रीड बट कैन नॉट बी राइट. इसमें सिर्फ रीड हो सकता है राइट नहीं हो सकता इसीलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं. जो रैम में रीड राइट था ना हमारा इसमें नहीं है हमारा. इसमें केवल क्या है हमारा रीड ओनली राइट नहीं कर सकते हम इसकी. दिस टाइप मेमोरी इज ए नॉन वोलेटाइल.
और लेटर का समझेंगे दिस इन्फॉर्मेशन स्टोर परमानेंटली इन सच ए मेमोरी ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग रोम स्टोर सच इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड एज स्टार्टअप कंप्यूटर दिस ऑपरेशन इज रेफर टू एज ए बूट स्टैप। देखो जब भी हमारा जो बूट कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना बूट स्टैपिंग होता है तो वो हमारा क्योंकि इसमें हमारा कुछ जो भी कुछ ध्यान रखें जब भी वो रोम बनती है तो उसमें जो भी प्रोग्रामिंग एक बार में फिक्स हो जाती है उसमें उसके बाद उसमें चेंज नहीं होता है कुछ भी। तो जैसे ही हमारा बूट स्टार्ट होता है तो जैसे ही कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है तो वो क्या रोम में जाता है तो वो रोम में आप जाके बूट स्टार्ट होता है। रोम चिप्स आर नॉट ओनली यूज इन द कंप्यूटर बट ऑल्सो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूटर वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव। नॉन वोलेटाइल का समझ गए ना मतलब कि अगर लाइट चली जाए तो वही उसका डेटा इरेज हो उसका डेटा नहीं होगा ठीक है। आप देखो इसमें भी जैसे कुछ टाइप है जैसे कि हमारा पुराना टाइप क्या है जैसे कि सबसे पहले वो मास्टर रोम यूज होती थी। मास्टर रोम क्या होती है रोम वर हार्ड वायर डिवाइस दैट कंटेन ए प्री प्रोग्राम सेट ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन ठीक है। ये हार्ड वायर डिवाइस होती थी उसमें क्या सेट ऑफ प्रोग्राम और डेटा होता था। दिस काइंड ऑफ रोम आल्सो नोन एज मास्टर रोम ठीक है। इसमें बहुत सारी एक्सपेंसिव होती थी। उसके बाद में आता है हमारा पीरोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ठीक है। इसमें क्या है हमारा रीड ओनली मेमोरी का तो मतलब आप समझ गए इट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय यूजर। ये सिर्फ हम एक बार मॉडिफाई यूज करते हैं जो हमारी पीरोम आती है ब्लैंक आती है उसके बाद हम उस अपनी प्रोग्रामिंग उसमें डालते हैं उसे जो हमने एक बार में डाल दिया तो डाल दिया उसके बाद हम उसे चेंज नहीं कर सकते। अब इरेजेबल पीरोम आ गया। इरेजेबल पीरोम का अब फिर इसमें क्या नया फीचर इसमें यह कि अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू हम इसमें कम से 40 मिनट तक अल्ट्रा वायलेट लाइट डालेंगे तो हम उसके डेटा को जो पुराना डेटा हम उसे इरेज कर सकते हैं ठीक है ना। किसकी तहत से अल्ट्रा वायलेट लाइट की वजह से लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगता है और उतना रिलायबल नहीं है इसमें। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी अब इसमें डेटा के रोज का इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिकली ये इलेक्ट्रिकली मतलब इरेज की जाता है इसमें डेटा। लेकिन इसमें जो डेटा जो इरेज किया जाता है वो 4 to 10 मिली सेकेंड में ये काम हो जाता है समझ रहे हो ना कि डेटा भी रेज होता है और उसकी नई प्रोग्राम भी हो जाती है और इसमें 10,000 टाइम हम मतलब इरेज कर सकते हैं प्रोग्राम कर सकते हैं इरेज कर सकते हैं डाटा डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ये चिप हमारी फ्लेक्सिबल है। अब रोम की थोड़ा एडवांटेज बात कर लेते हैं जैसे कि नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल आप समझ गए होंगे लाइट चली जाएगी भाई डेटा इसका नहीं जा रहा है कैन नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज चीपर देन रैम इजी टू टेस्ट मोर लैब देन रैम स्टैटिक एंड डू नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग कंटेंट आर ऑलवेज नोन एंड कैन बी वेरीफाइड। तो फ्रेंड्स आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा आज हमने आपको डिवाइस पढ़ा मेमोरी के बारे में पढ़ा उसमें फिर रैम के बारे में डिटेल में पढ़ा रीड ओनली मेमोरी के बारे में पढ़ा ठीक है। और आज का लेक्चर में आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और प्लीज़ आप इसे शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।